खन्ना दे नेड़े पिंड कौड़ी दा रहन वाला सूबेदार हरमिंदर सिंह जिसकी ड्यूटी दौरान मौत हो गई। ये देश दे लई शहीद हो गया क्योंकि ऑन ड्यूटी इसनू हार्ट अटैक आ गया ते इसकी मौत हो गई। सोमवार वाले दिन इसकी मृत पैच इसकी मृतक देह नू हुण पिंड लिया गया जिथे सरकारी सन्माना दे नाल अते सेना दे अधिकारियां ने सूबेदार नू जाण वेले श्रद्धांजलि भेंट कीती। मौके ते माहौल इन्ना गमगीन सी कि हरेक दी अख दे विच हंजू सी। सूबेदार दी मृतक देह नू लिपट लिपट के उस दे बच्चे रोए। ये तस्वीरां तुहानू भावुक कर देणगीआं। की नाम की है तुहाडा जी? मेरा नाम जी चरण सिंह। चरण जी चरण सिंह। चरण सिंह तुहाडे बेटे जिहड़े हैगे देश दी सेवा करदे होए जिहड़े हैगे शहीद होए ने, की कहना चाहोगे? एक फौजी दी बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बन जांदी है। हाँ जी, असीं तां इह है वी जो परमात्मा वल्लों इन्हां दी लिखी ती सेवा देश प्रति उह इन्हां ने बाखूब ही निभाई है। तो ड्यूटी दे विच मतलब जिन्नी छुट्टी आंदे सी उह तों एक्सेसिव छुट्टी कदे वी नहीं लई, तो मतलब हमेशा ही डेडिकेटेड रहिंदे सी अपने काम प्रति। तो मतलब घर दे विच भी आर्मी वांगू जिवें डिसिपलिन हुंदा ना जी, साफ सफाई का मतलब सारा उस तरह का ही घर दे विच करदे रहिंदे सी छुट्टी दौरान। छुट्टी कदों आई सी पहला? छुट्टी आए सी, एक महीने की छुट्टी आए सी। कदों गए बाप जी? गए हैं 30 तरीक नूं गए हैं, 30 नवंबर नूं। 30 नवंबर नूं गए हैं। इस तो पहला फोन ते कदी कोई गलबात हुई? कुछ दिन पहला लास्ट टाइम कदों गलबात हुई? फोन ते गल हुई है 4 दिन पहला हुई सी, जदों गए आ उदों तकरीबन एक दिन बाद ही हो गई सी गल। तकलीफ सी उस टाइम? कोई दस्सिया भी मैं री थोड़ी सेहत पक्खों कुछ दस्सिया नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सी, कहंदे सी हां बिल्कुल सही सी। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 19 ਸਾਲ ਜੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਯੂਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡੈਥ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ? 1998। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਓਨਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਸਟ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੀਆਂ ਨੇ।
अज ये भाई साहब सरदार सूबेदार हरमिंदर सिंह साहब जो शहीद होए हैं जो कि बहुत ही अगां वधू सन और आने वाले समय के और थोड़े दिनों इन्हों का प्रमोशन होने वाला भी सी जो कि साढ़े दसंबर जनवरी फरवरी के एक DPC बनती है वो पैनल में सूबेदार मेजर बनने तैयार सन जो कि अज की डेट में रेजिमेंटल सेंटर के जितों के साढ़े रेजिमेंट के पूरे सिपाही ट्रेन हो के निकलते हैं उत्थे ट्रेनिंग देने वास्ते और उत्थे बहुत ही वधिया सलाहयोग इंस्ट्रक्टर सन जो कि इन्नी शानदार ट्रेनिंग देंदे हुए जवानों शहीद होए हैं असी इन्हों हमेशा याद रखांगे और मेरी पलटन जो मौजूदा हुण सूबा मेजर हरदेव सिंह साहब और कर्नल साहब वालों और बाकी साहबान वालों जो सहयोग होया और रेजिमेंटल सेंटर कमांडेंट वालों भी जो सहयोग होया जो बनती जो कार्रवाई है और बनता जो इन्ह का जिन्ना भी है सहयोग और जिन्ना भी इन्हों परिवार के नाल हमेशा खड़े रहांगे और मैं बड़े दुख की गल है इतने बड़े दुख ना कहना पै रहा मैनू कि साढ़े इतने देश और पंजाब स्टेट दे विच इन्हां दी कोई भी सुनवाई नहीं है और इन्हां कोई भी शहीदां याद नहीं करता अज प्रशासन का एक भी बंदा इतने नहीं है जो कि आके इन्हां नूं सलाम करे और सलामी करे और कोई याद करे और मैं आप जी नूं अपने इस मीडिया द्वारा कहना चाहता हाँ साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान नूं कि इन्हां नूं बनदी कार्रवाई ये करन और परिवार की सहायता करन असी भी इन्हां नाल कंधे नाल कंधा ला के खड़े रहांगे पर जे सरकार नहीं करती असी जरूर इन्हां दी सहायता करांगे। अज सानू बहुत दुख की गल है कि ये जिन्ना भी अज इत्थे इकट्ठ होया है मैं सारे संगत का सारे परिवारों का रिश्तेदार का धन्यवाद करदा हाँ जिन्होंने अज आके इन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की और अंतम रस्म अदा की। वाहिगुरू जी खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी मैं अपना सुखदर मेजर हरबंस कलाई हरदेव सिंह ये जेडे साहब से सूबेदार हरमिंदर साहब ये मेरी जुड़ते सी बहुत ही हरमन प्यारे से जिन्ना भी टास्किंग कोई भी कार्रवाई कोई भी जिन्ना भी अपना टास्क दिता वह खूबी निभाते जी और बहुत ही होनहार और वन सिखलाई है। हाँ जी हूँ है फिलहाल अपना सिखलाई RC फतेहगढ़ सेंटर के कैंटीन JCU की ड्यूटी निभा रहे थे। रिटायरमेंट तो इन्होंने तकरीबन 3 साल। हाँ जी सूबेदार सिंह जिन्नी भी मदद अपना पूरी अपना तहे दिल तो करोंगे जो भी अपना है अं बटालियन वालों भी तो अपना एक भरा के नाते एक साड़ी जाने कि परिवार का मैंबर से परिवारक मैंबर अपना ही सहायता करा कोई इदा नहीं हो रही बहुत ही वधिया और शुरू तो ही और अगां वधू और हुण भी साहब परमात्मा ने शायद इसे DPC सूबेदार मेजर बनिया सी साहब बिल्कुल बहुत ही होनहार और बहुत ही अपना दिलचस्पी के नाल काम करने वाले साहब से।